आज हम सत्य युग में शक्ति की पूजा करें, क्योंकि सत्य युग की शुरुआत हो गई है और इसी वातावरण के कारण शक्ति का रूप भी प्रकट होगा। शक्ति का पहला स्वरूप है कि वो प्रकाशमान, तेजस्वी, तेजपुंज। ये शक्ति जब प्रकट होगी पूर्णतया इस सत्य में, तो हर एक गलत किस्म के लोग सामने उपस्थित हो जाए, उनकी सारी कार्रवाइयां सामने आ जाए, उनकी जो कार्य प्रणाली आज तक चोरी छुपे चल रही थी और उसमें वो मगन थे, वो सब खुल जाए। हर तरह की बुराइयां, वो चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, आतंकवादी हो या किसी तरह की भी, सत्य को पसंद न, ऐसी कोई सी भी संस्था, ऐसी कोई सी भी व्यवस्था बच नहीं सकती, क्योंकि उस पर सत्य का प्रकाश पड़ेगा। इस सत्य के प्रकाश में आप एक शक्ति की विशेष प्रकृति देखिएगा, उसकी एक विशेष आकृति देखिएगा। कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि अब कृतयुग शुरू हो गया और इसके बाद सत्ययुग आएगा, और ये भी बता दिया था कि सत्ययुग का सूर्य क्षितिज पर आ गया। इसकी प्रचीति आपको मिली, इसका प्रूफ आपको मिली कि सत्य के मार्ग में जो भी असत्य लाएगा वो पकड़ा जाए। फिर वो सहयोगी क्यों ना, वो अपने को सहयोगी कहलाता है और गलत काम अगर करता है तो वो बच नहीं सकेगा। उसको आज तक सत्य ने बताया, बचाया, संभाला, उसकी रक्षा कर, लेकिन अब इससे आगे उसमें शक्ति नहीं, सहज में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्य के आगे ऐसे लोगों को बचा सके जो सत्य का तमगा लेकर सके। सत्य में सबसे बड़ी शक्ति आपसे मैंने कल ही बताया था कि प्रेम की है, परसों प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी। प्रेम का मतलब अहंकार रहित, किसी अपेक्षा के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर प्रेम का अव्याहत साम्राज्य फैलाना, यह शक्ति कार्य करेगी। किंतु ये जो शक्ति चैतन्य की है वो आपके ही माध्यम से कार्य कर सकती। अगर चैतन्य स्वयं ही इस कार्य को कर सकता तो आज आप लोग सहयोगी नहीं बनते और सहयोगियों की कोई जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन आज जो सहयोगियों की जरूरत आप समझ रहे हैं कितनी है, कि सामूहिकता में सहयोगी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि चैतन्य का वहन, उसका चैनल आप लोग। अब इस वहन करने वाली जो धाराएं हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी गलत काम की ओर नजर तक नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं शक्ति से संचालित हैं। आप में हर तरह की शक्ति वहन हो रही है, तो वही शक्ति आपको शक्तिवान, बलवान, हर तरह से समृद्ध और स्वस्थ बना सकते।
आपको और किसी चीज का आलंबन करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरे किसी चीज का आलंबन करेंगे आप गिर जाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने को बड़े कहलाते हैं, वो खबर भेजेंगे कि हमें माँ से मिलना है, हम उसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। कोई स्पेशल विशल होते नहीं है पर हमको मिले। अब मना करो तो लोग कहते हैं माँ वो बहुत सताए, तो मिल ही लीजिए उनसे। अब सब गिड़गिड़ा कहते अच्छा भाई, तीन बार कहेंगे वो आने वाले हैं, सब उसके इश्तहार लग जाए और वो आएंगे, पार हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं कि सत्य की शक्ति कितनी जबरदस्त है। एक बार अगर आप सहज में आ गए तो बेहतर है कि आप सहज में उतर जाएं, नहीं तो बचत नहीं है। हर बार इंसान यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा, सहज में आने से मेरा लड़का बीमार है तो मेरी लड़की बीमार है, तो मेरा फलाना है तो ठिकाना है, तो मेरे पैसे गायब हो गए तो इनकम टैक्स आ गया, फलाना हो गया ठिकाना। लेकिन ये सब आफते जो है ये एक साथ आपकी टर्न है। सबसे पहले तो मनुष्य में अगर समाधान भी नहीं आया तो सहज बेकार है। अब समाधान जब आ जाता है बस बहुत हो गया, आप नहीं चाहिए, कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, कोई से भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि जो हानिकारक हो समाज को, दूसरों को, आप्तिष्टों को, किसी को भी हानिकारक कार्य करना सहज के बाद फलित नहीं हो सकता, उसका नुकसान उठाना। हमने देखा बात शुरू में बहुत से सहज में ऐसे लोग आए, रुपया बनाया, पैसा बनाया, झगड़े किए, लड़ाई करी, ये करा वो करा, इसके सिवा और कुछ किया नहीं सहज, फिर खत्म होगा। क्योंकि सहज की शक्ति ऐसी है कि ऐसे लोगों को पार ढके फिर वो ठीक होकर के वापस आ जाए तो दूसरी बात। जैसे समुद्र में दो शक्तियां होती है, एक शक्ति से तो बाढ़ आती और एक से जो है समुद्र पीछे जाता, इसी प्रकार इस सत्य की शक्ति है जो स्पंदित, स्पंद का मतलब होता है जो एक बार आकुंचित होता है और एक बार पूरी तरह से खुल जाता है, उस हृदय में ही स्पंद होता है। आदि शंकराचार्य ने वाइब्रेशंस को स्पंद कहा। स्पंद का मतलब है जो एक बार आपको उठाएगा वो दूसरी बार आपको गिरा भी सकता है। ये मैं आपको डराने नहीं पर सूचना दे रही हूं कि अब अपना वर्तन हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हम सहज में अग्रसर हो सके। मैंने परसों कहा था कि नॉर्थ इंडिया में सहज योग बहुत जोरों में फैला है, बहुत जोर, हर जगह जैसे आग लगी हो लोग सहज में आ रहे हैं, क्योंकि सहज से लाभ बहुत है, तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, किसी को धन लाभ हो जाता है, किसी को पुत्र लाभ हो जाता है, कोई ना कोई लाभ हो जाता है, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कुछ। किंतु सबसे बड़ा लाभ सहज योग का यह कि समाधान, कि इससे आगे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब पा चुका। ये जब स्थिति आपकी आ जाएगी तब सहज समझना कि आप सहज में उतर, और फिर अनायास आपको चाहे या न चाहे सहज आपकी देखभाल करेगा, आपको सर्वथा पूर्णतः संतुष्ट करेगा। आपका समाधान जो है वो सातवें श्रेणी में पहुंचा है,
लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, ये क्यों इस तरह से निरीक्ष हो गए, इनको क्या किसी तरह का संन्यास मिल गया, तो कोई परवाह नहीं। एक बार हम अमेरिका में गए थे, वहां एक दुकानदार स्त्री थी, उसको हमने जागृत थी, तो कह लगे कि माँ कमाल, जागृति के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, पहले मुझे हर एक दुकान की हर एक चीज, कौन सा चीज आई, कौन सी चीज गई, क्या मिला क्या नहीं मिला, हर एक बात की मुझे पूरी परवाह रहती थी और हर एक चीज मैं लिख लेती थी, और तो भी मुझे कभी नफा नहीं, हमेशा देखती हूँ तो नुकसान ही होता, जो चीज आए वो बिके ना, कुछ हो ये हो। सहज के बाद ये हालत मेरी हो गई कि अब ना तो मैं गिनना जानती हूँ, ना ही मुझे कोई चीज याद है, और देखिए कमाल ये है कि मुझे नफा ही नफा हो, पता नहीं कैसे नफा, कौन मेरा सामान बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन पैसे दे रहा है, मुझे किसी भी चीज की खबर नहीं, और इस बेखबरी में ही सब कुछ बना जा रहा है। अने सहज ने अपने गोद में ले लिया हमसे, और सारी जो कुछ परेशानियां थी, नाप तौलने की, बेचने की, नफा रखने की, वो सब खत्म हो करके वो बस मस्ती में आ गई। कहला अब क्या, मेरी तो दुकान कोई चला ही रहा है, पक्की बात, मैंने अपनी दुकान चला। और सब चीज इस प्रकार हो जाने से मनुष्य समझ जाता है कि अब मैं समाधान की सातवीं मंजिल पे पहुंच गया, उसको सोचना भी नहीं, विचारों से परे ये दशा है। अब इसका कारण ये है कि सहज से पहले हम विचारों पे रहते हैं, हर चीज आप गिनते रहते हैं, हर चीज आप नापते रहते हैं, घड़ी हर बार आप देखते रहते हैं, और हर समय आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ चूक जाता है, बहुत हिसाब किताब रखने पर भी आप देखते हैं कि सर दर्द हो गया लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सहज में आपने ये कार्य अपने ऊपर कैसे ले लिया, तो सहज कार्य स्पॉन्टेनियस, सहज में सब चीज एकदम सहज हो जाती है। ये आपको धीरे धीरे तो अनुभव आते रहेगा, लेकिन सहज पे निर्भर हो जाना, ये शक्ति आज शक्ति युग में कार्य कर रही है। जिस दिन आप पूरी तरह से सहज में निर्भर हो जाए, तो सारा ही कार्य, सारा ही आपका जीवन ही सुचारू रूप से पूरी तरह से प्लावित हो जाए, और आपको किसी भी प्रकार की दखल लेने की जरूरत। एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी सब साड़ियां चोरी हो गई, मुश्किल से एक साड़ी सिल्क की बची, वही पहन करके मैं सारी पार्टी में जाती थी, उसी में जाती थी। हमारे पति भी सोचने लगे कि इनको क्या हो गया, एक ही साड़ी पहनती है। मैंने कहा मेरे पास अभी एक ही है, अब आप लोग इतनी साड़ियां मुझे देते हैं कि मैं मना भी करती तो साड़ी पे साड़ी साड़ी पे साड़ी। उन्होंने कहा कहीं द्रौपदी वस्त्र हरण का अगर इंतजाम करें तो कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये रखू का मैं तो पहनती भी नहीं है सब साड़ी। लेकिन समाधान मिलना यही सबसे बड़ा बख्शीश। अब समझ लीजिए हमें कोई चीज पसंद आई और उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए मरेंगे, वही चीज लेनी है हमने, वो देखिए हमें पसंद आई है, और बुरा के भी कर्जा लेके ली चाहे जैसा, और उसके बाद उसके और देखते नहीं, फिर दूसरी चीज की और देखने लगे, जो चीज पाई
उसी का सुख है, उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देख रहे आ रही थी, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर, आप में से न जाने कितनों ने देखे हैं कि नहीं देखे। अब ध्यान का, ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जानते हैं। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगा कि तुम स्वार्थ ढूंढो। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ, पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, पर उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे तब फिर आप स्व की ओर दौड़ेंगे। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप बैठे तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ, और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो भी ऐसे छूट गए। उदाहरण के लिए बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की कनाडा, बहुत सुंदर थी, सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 खरीदी तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है, क्या 18 रुपए भी नहीं होंगे। मैं हंसती रही तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो वो भी हंसने लगे। उनका देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं, और वाकई में वो सब छूट गए क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक कर, जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़ना। बहुत सी बातों में हम देखते हैं के लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये कि अभी वो सहज। तो एक तो इस सत्ययुग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनः शांति। आप मन की शांति को प्राप्त, जो भी होता उसे आप देखते रहे। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो ये हुआ था कि अगर कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तो उस शहनशाह का ही गर्दन कट गई। वो किसने काटी, उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी, किसने काटी, किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि दो तरफा चलती, जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप दो शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं, पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए
तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे पर अधिकार जताना है तो पहले सहज में कुल मिल लेना चाहिए। जैसे सुवर्ण है, तप करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टांका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं, वो कुंदन इतनी मुलायम चीज कुंदन वो पकड़ लेता है हीरे को, हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देखते ये विचार करने की जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू, लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे कुछ। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ कर जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया पूरी तरह से, हम सहज के हवाले हो गए तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा जो हम नहीं जानते पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था समझ लीजिए 3 बजे, मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए, देरी होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चल। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया, और वो परेशान है कहां से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया ये रह। अगर आपका रास्ता खो गया है तो सहज के कारण आपको किसी से मिलना है या आपको किसी चीज से गुजरना है या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता खो गया, उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोगी चाहे तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे बढ़ेंगे कुछ नहीं,